दोस्तों ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये है नंदन गांव का ब्रिज जो कि झंडूता से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है। तो यहाँ से जो कोटधार क्षेत्र है और माता नैना देवी वाला क्षेत्र है, बागछाड़ वाला क्षेत्र है, उसको मरुस्थल जेजमी को झंडूता से जोड़ा जाएगा। इसके जो अपोजिट साइड में जो जगह है वो कोटधार क्षेत्र है, और उस साइड से एरिया जो हमारा इस साइड आता है वो है झंडूता, यानी झंडूता तहसील में ये पड़ता है। तो इन दोनों को आने जाने के लिए सिर्फ बोट का सहारा लेना पड़ता था, तभी वहाँ के जो लोग हैं आमने सामने आ जाते थे। तो यहाँ से जो दूरी है दोस्तों कैंची मोड़ की, तो यहाँ से दूरी टोटल लगभग 18 किलोमीटर है, बाकी झंडूता से 36 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि जीतराम कटवाल जी यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बताया है, और उन्हीं के कारण ये जो पुल है ये बन रहा है। इसके साथ ही अपोजिट साइड में बागछाल का ब्रिज बन रहा है, और बागछाल ब्रिज से कैंची मोड़ की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, जहाँ से नैना देवी माता के मंदिर को रास्ता जाता है, और NH 205 स्वारघाट और बिलासपुर वाला रास्ता भी वहीं से स्टार्ट होता है। और 4 लाइन के साथ साथ ये जो यहाँ का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जाएगा झंडूता से तलाई, तलाई से बड़सर, बड़सर से नंदौड़, नंदौड़ से कांगड़ा, वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साधन बन जाएगा इस रास्ते से। और बद्दी, नालागढ़ और कीरतपुर रहने वाले और चंडीगढ़ रहने वाले लोगों को, जो कि घुमार में सरगाघाट क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा लाभदायक ये पुल। दोस्तों घुमार में 60 किलोमीटर, बरठी 48 किलोमीटर, और सरगाघाट और मंडी के लिए भी ये शॉर्टकट वे बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेस है। 4 लाइन के साथ साथ कटवाल जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।